गोका में हुए हत्याकांड में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का धरना भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। विश्व हिंदू परिषद के समर्थन में अन्य लोग भी बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंचे। कोहका में हुई चंद्रशेखर की हत्या के बाद मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर का धरना और भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ धरने को समर्थन देने अनेक लोग धरना स्थल पर पहुंचे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफी रही। विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे सहित परिषद के अन्य पदाधिकारियों द्वारा मृतक चंद्रशेखर के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग शासन प्रशासन से की। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में धरना और भूख हड़ताल को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी गई। धरना स्थल पर मौजूद मृतक के भाई युगल किशोर ने पूरी वारदात की जानकारी देने के साथ पुलिस द्वारा घर में मौजूद लोगों से पूछताछ नहीं करने की बातें कही। भैया, मेरा नाम युगल किशोर ठाकुर है। उस दिन की घटना में मेरे साथ, मैं एक लड़का और लड़की को अश्लील हरकत पे मैं देखा, उसमें मैंने उनको रोका। मेरी गली की बात है जिसमें उन लोगों के तरफ से पहले गाली गलौज और अभद्र बोलने का मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद ये बहस चलते चलते कुछ झगड़े में हो गया। मेरा भाई मेरे बीच बचाव में आया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और मुझे ये पता है कि उनके और 4-5 साथी जो उनके साथ थे, उनका अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। और क्योंकि मैं तो उस गिरफ्तारी के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि मेरी बहन और मेरी भाभी और मेरे बच्चे का भी बयान लिया जाए। नहीं नहीं, अभी प्रशासन से मुझे कोई ना तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं जो प्रशासन से मुझे कुछ भी मदद नहीं मिला है। मदद नहीं मिली आपको? जी जी। अब इस धरने से जब तक मुझे सरकारी नौकरी और मुझे 50 लाख का मुआवजा मेरे भाई परिवार को नहीं मिलता, तब तक कोई संतुष्टि मुझे नहीं मिली। इस हत्या पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए धरना स्थल में मौजूद महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, इस मामले में जो भी विश्व हिंदू परिषद कदम उठा रहा है, हम सभी महिलाएं उनके साथ हैं, सहयोग करना चाहती हैं। क्योंकि इतना बुरा माहौल हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर। आप तो अभी शाम को आए हैं, एक घंटे बाद जब थोड़ा अंधेरा होगा तब आप आइए यहाँ पर, तो देखेंगे कि महिलाओं का यहाँ से निकलना, इवन लड़कियों का, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया। हर जगह नशा, सिगरेट, शराब का सेवन करते हुए बच्चे घूमते रहते हैं और मना करने पर उत्पात मचा रहे हैं। बगीचों में अगर लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी यही माहौल होता है। लड़के लड़कियाँ बैठकर रासलीला रचाते रहते हैं और मना किए जाने पर हुड़दंग और दंगे की धमकी देते हैं। आप जानते हैं, यूथ को अगर कुछ भी बोला जाए और अगर वो लोग समूह में आ जाते हैं तो सामान्य आदमी का उनसे मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी जो हत्या हुई है, आप समझ सकते हैं कि नशे की हालत में ही हुई है। जो जिसकी हत्या हुई है वो अकेला पड़ गया और 5-6 नशेड़ियों ने मिलकर वहीं पर जान से खत्म कर दिया। मुआवजे की बात जहाँ तक है, बिल्कुल सही है। एक जवान लड़का जो घर का खत्म हो चुका है, उसके एवज में अगर परिजनों को कोई सुविधाएँ मिलती है तो इसमें बुरा क्या है। आप हर जगह 50-50, 60-60 लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, अगर उसकी ज़रूरतों के तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मतलब जैसी ये धरना जैसी ये क्रियाएँ करना जरूरी हो जाएगा। सामान्य शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जो उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अच्छी तरह से निभाई जाए। पास में यहाँ पुलिस थाना है, उसके बावजूद यहाँ के ढाबे होटल रात को 11 बजे के बाद ही, रात को आधी रात को 1-1.5 बजे तक अनवरत खुले रहते हैं और सारे लोग वहाँ पर खाने की आड़ में शराब और नशे की दूसरी चीज़ें लेकर दंगा करते रहते हैं। आए दिन यहाँ परेशानियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि अगर कोई सभ्य आदमी जाहिर है वो तो गुट बनाकर नहीं चलेगा, एक या दो लोग चलेंगे या अपने परिवार के साथ जाएगा। अगर उसने बीच में बोला तो या तो तत्काल उसी समय उसे बदला लेने की भावना से उस पर हमला किया जाता है, या बाद में भी उसको देख लेने की धमकी तो आए दिन दी जाए। इसी वजह से महिलाओं का अकेले यहाँ पे अंधकार, थोड़ा भी अंधेरा हो तो अकेले निकलना बहुत मुश्किल हो गया। हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष अभी बने हैं, स्मृति नगर सोसाइटी के भी पिछले 4 कार्यकाल से अध्यक्ष हैं और वो हमेशा इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं।
अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी और कॉलोनी के स्तर पर भी जितना प्रयास वो करते आए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब चूंकि बड़े पैमाने पर ये होने लगा है और हत्या जैसी वारदातें होने लगी हमारे शहर में, तो हमें डर है कि कहीं हमारी कॉलोनी में भी इसकी पुनरावृत्ति न हो। बस इसी वजह से हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदरवाइज स्मृति नगर की शांति व्यवस्था की सबको ही मिसाल देते थे, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सारे मोस्टली सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ रहते हैं, अधिकतर लोग 60 से ऊपर के हैं, रिटायरमेंट के बाद यहीं बसना चाहते हैं, इसी वजह से कि ये कॉलोनी शांत है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से लगभग 2-3 साल के अंतराल में इतना माहौल बिगड़ा है, बच्चों को समझाना मुश्किल हो गया है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस तरफ से बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, शिकायत करने पर भी हाँ हम देख लेंगे इसके बाद कोई मतलब जमीनी तौर पे कोई कार्रवाई होती हमें नहीं। जनता और महिलाओं की ओर से मैं यह बात कहना चाहूँगी कि सजग प्रशासन और उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था यदि हो जाए तो किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की असुविधाजनक या इस तरह की घिनौनी हरकत का सामना नहीं करना पड़ता है। और हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष श्री राजीव चौबे जी ने ये जो कदम उठाया है एक कदम है और सराहनीय कदम है, इसका हम सभी महिलाएं समर्थन करती हैं और प्रशासन से बड़ी ही विनम्रता से अपील करते हैं कि ये सारी कार्यवाहियों को स्थगित किया जाए। धन्यवाद। मैं 45 साल से रह रही हूँ यहाँ और रेगुलर हर दिन वॉक के लिए निकलती हूँ, सुबह भी और शाम को भी, मेरी हैबिट में है तो निकलना ही है, लेकिन सेफ्टी में कहूँ तो बिल्कुल नहीं रह गई है अभी फिलहाल। अगर मैं 7 बजे के बाद कभी कभी देर हो जाए 8 बजे मैं सोचूं बहुत अच्छी कॉलोनी है साफ सुथरी घूमने निकलूं तो बाइक ऐसे चलाते हैं इस तरह से निकालते हैं गाड़ी और हर वक्त डर लगा रहता है कहीं चैन स्नैचिंग नहीं हो जाए। हमारे बाजू में पार्क है, वहाँ दिन भर बैठे रहते हैं आवारा बच्चे, मैं उन्हें आवारा ही कहूँगी क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है ना, इसलिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। कितने बार हम लोग पार्क में, मिसेस वॉर्कर मेरे साथ हैं, हमको पार्क में हमेशा लिकर की बॉटल्स मिलती हैं, बताइए अब ये कोई जगह है लिकर की बॉटल्स फेंकने का? किसी अभी मिसेस जैन से बात करी थी, वो बोलती है मैडम मेरे घर के सामने में 4 बॉटल पड़ी हुई है, उधर मॉल से आते हैं निकलते समय पी रहे हैं आप और बॉटल छोड़ करके जा रहे हैं, ये तो मतलब थोड़ी ज्यादती हो गई है ना। सभ्य लोगों की कॉलोनी है, अच्छे लोग रहते हैं, ज़्यादातर सराउंडिंग्स में रहने वाले बच्चों की हरकतें हैं ये, अगर देर रात तक दुकानें खुली रहेंगी तो स्वाभाविक है न्यूसेंस तो ज़्यादा होगा, तो अगर वो समय रहते बंद हो जाए तो इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग शासन प्रशासन से की। शासन के काल में अभी तक जू नहीं रहेंगी है, इसके पहले कि आपने देखा कुर्सी पार में जो हत्याकांड हुई थी, मस्जिद की जो हत्या हुई थी उसपे जब प्रभावशाली लोग बैठे तो तत्काल प्रशासन ने सुध ले ली, और चूंकि यहाँ मृतक एक आदिवासी है और गरीब परिवार से है, प्रभावशाली नहीं है तो इनको पूछने वाला कोई नहीं। विश्व हिंदू परिषद इनके लिए समर्थन में बैठा है, कल से हम भूख हड़ताल पे हैं, आज दूसरा दिन है, आज मृतक का पूरा परिवार, उसके भाई, उसके ससुर और उसके सारे रिश्तेदार वो आकर यहाँ बैठे हुए हैं, न तो इनके घर में प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति गया है, न यहाँ इनसे मिल रहा है किसी प्रकार की सूचना। निश्चित रूप से मैं तो पहले कह चुका हूँ, हम तो दो कारणों से बैठे हुए हैं, दो विषय हैं, एक तो चंद्रशेखर ठाकुर के परिवार को हक दिलाना, उनको न्याय दिलवाना। अभी आप देखिए हत्या में संलिप्तता 7 से 8 लोगों की थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, शेष को दबा गया, निश्चित रूप से शेष जिनको छोड़ा गया है उनसे मोटी रकम प्राप्त की गई है। 2 व्यक्ति हत्या में संलिप्त नहीं थे सब जानते हैं, इतना आसान नहीं था कि 2 आदमी मिलके एक व्यक्ति हत्या कर दे, तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। वो लड़की जिसकी वजह से, मूल वजह जो लड़की थी उसके ऊपर 120 भी का अपराध बनता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो इस प्रकार की इन सब कारणों को लेकर। दूसरा, इस हत्याकांड के अगर जब मूल में जाते हैं तो मूल में है प्रशासनिक कसावट का ना होना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना होने के कारण बार बार इस प्रकार की घटनाएं शहर में हो रही है। तो इस स्मृति नगर क्षेत्र में हम देखते हैं कि रात को 1-1.5 बजे तक होटल और ढाबे खुले रहते हैं और खुलेआम ओपन लैंड को, पार्किंग की जगह को ओपन बार बना दिया गया है,
परसों मेरी चौकी प्रभारी से मुलाकात हुई है। मैं इनके भाई युगल किशोर को लेकर गया था, विवेचना के संबंध में हमने जानकारी ली। मैं चौकी प्रभारी, उनको बताया मैंने किस प्रकार की स्थिति है कि कैनरा बैंक का जो पार्किंग है बिल्कुल जैन चौक में, मुख्य मार्ग पर कैनरा बैंक है, उसके पार्किंग स्थल पे रात को 7 बजे के बाद ओपन बार हो जाता है। खुले हम लोग कार रखकर कार के बोनट और छत के ऊपर शराब की बोतल और ग्लास रखे शराब का सेवन करते हैं। परसों मैंने उनको बताया, कल से हम हड़ताल पे बैठे हैं। कल रात को 12 बजे का आपको मैं वीडियो दे सकता हूँ, जो वही स्थिति थी, पंजाबी ढाबा खुला था और लोग शराब पी रहे थे। प्रशासनिक कसावट और देर रात तक खुले होने वाली जो ढाबे और नशे के अड्डे हैं सब बंद हो, खुलेआम जो शराबखोरी की जा रही है उसको बंद किया जाए, दुकानों को बंद होने का जो निश्चित समय है उस पर दुकानें बंद हो, यही हमारी मांग है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद का धरना प्रदर्शन जारी है। मांगे पूरी नहीं होने तक परिषद के पदाधिकारियों ने धरने को जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।